कहां बुद्ध प्रभु तुझ हमारी बर न सके महिमा जो तिहारी हम न सकत कर सिफत तुम्हारी आप ले हो तुम कथा सुधारी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। संसार में ये अक्सर देखने में आता है कि मनुख अहंकार करता है, यहां तक कि यह भी देखने में आता है कि मनुख गुरु घर में आकर भी अपने अहंकार को नहीं छोड़ता। जिस दर पर आकर हमें अपनी पुल्ला बख्शानी थी, नाम जप कर सेवा करके गुरु से बख्शीशें लेनी थी, वहां पर भी हम अहंकार कर लेते हैं। कई मनुखों को तो अपने धन का अहंकार होता है कि उसके पास बहुत सारी जमीनें, धन, जायदाद है। मनुख सामने वाले को कुछ समझता ही नहीं है, वो सोचता है कि मैं तो धनी हूं, मेरे सामने बाकी जो भी है वो सभी को वो ऐरा गैरा समझता है, किसी की इज्जत नहीं करता, किसी को मान नहीं देता, किसी से अच्छी तरीके से पेश नहीं आता, निंदा करता है, ग्लानी करता है, कठोर शब्द बोलता है और हमेशा ही हर पल ही सीना फुलाकर अहंकार में रहता है। ये अहंकार जो है वो प्रभु को भी नहीं भाता, क्योंकि इंसान यदि कोई गलती कर दे और आकर गुरु के चरणों में अपनी पुल्लों को बख्शाए तो गुरु से माफ कर देते हैं। परंतु यदि कोई मनुख गुरु के सामने ही अहंकार में रहे और यहाँ तक कि गुरु को भी कुछ ना समझे तो ऐसे मनुखों का क्या किया जाए। कई बार तो ये भी देखने में आता है कि मनुख गुरु घर में तो आ जाता है परंतु यहाँ पर भी आकर अपने धन का अहंकार करता है, उसे अपनी जमीन और जायदाद का मान होता है। कई बार तो सेवा में भी देखा गया है कि यदि कहीं कोई बहुत ही अच्छी ढंग से सेवा हो रही हो परंतु कोई अहंकारी मनुख जो कि बहुत ही धनवान होता है वो वहाँ पर सेवा करने आ तो जाता है और बाकी लोग भी उसके धन को देखकर, प्राण प्रतिष्ठा को देखकर सेवा छोड़कर उसकी ओर हो जाते हैं। यदि कोई मनुख
बहुत सेवा करता था, नाम जपता था, वाणी के साथ जुड़ता था, भले ही उसने बहुत सालों से अच्छी तरह सेवा निभाई हो, परंतु उस जगह पर अगर कुछ धनवान व्यक्ति आ जाए, वो अहंकार में सभी को अपनी तरफ कर लेते हैं और फिर गरीब को कोई कुछ नहीं पूछता। ये अक्सर संसार में देखा गया है। हम गुरु घर में आकर भी पॉलिटिक्स खेलते हैं, अपने आप को ऊंचा बताते हैं, अहंकार में जीते हैं, परंतु गुरु तो, प्रभु तो सेवा को देखता है, बंदगी को देखता है, ना कि किसी व्यक्ति के धन को देखता है। धन तो एक हाथों की मैल होती है और गुरु के लिए कोई बड़ा छोटा नहीं होता, कोई जात पात नहीं होती, कोई अमीर और गरीब नहीं होता। जिन प्रेम कियो तिन ही प्रपायो, जो सच्चे दिल से प्रेम करता है, गुरु की सेवा करता है, गुरु उसके ही हो जाते हैं। और अहंकारियों का हमेशा ही मुख काला होता है। इंसान अपनी जात का गर्व करता है, मान करता है कि मैं ऊंचे कुल से हूँ और अहंकार में जीता है, परंतु गुरु नानक देव जी पैरव राग में जात के बारे में ये फरमाते हैं, जात का गर्व ना करियो कोई, ब्रह्म बिंदे सो ब्राह्मण होई। जात का गर्व ना कर मूर्ख गवारा, इस गर्व ते चले बहुत विकारा। हे मनुख, तू क्यों जात का गर्व करता है, क्यों तू अपने धन का गर्व करता है, अहंकार करता है। जिस प्रकार हम देखते हैं कि हर मनुख का खून लाल ही होता है, प्रभु ने कभी कोई भेदभाव नहीं किया कि अमीर का खून सफ़ेद कर दिया हो और गरीब का खून लाल कर दिया हो, ऐसा नहीं होता। हम जात के बारे में बहुत झगड़ा करते हैं, ऊंचा नीचा समझते हैं, परंतु यदि सोचिए, आप ही को अगर प्रभु ने किसी और जात में पैदा कर दिया होता तो क्या होता। तुमने कोई अच्छे कर्म किए होंगे पिछले जन्मों में, जिसके कारण पहले तो तुम्हें ये मनुका दे मिली है और तुम्हारे कर्मों के अनुसार ही तुम्हें जात मिली है। परंतु यदि हम अगर जात को लेकर बैठ जाएंगे और उस चीज का भेदभाव करेंगे तो ये मनु की मूर्खता है। एक मूर्ख मनु की जात का भेदभाव करता है, नहीं तो प्रभु के लिए तो सभी एक बराबर हैं। हमें कभी अहंकार नहीं करना, क्योंकि गुरु को कभी भी अहंकार नहीं भाता और अहंकारी कभी गुरु का नहीं हो सकता। परंतु यदि मनुख संभल जाए, गुरु की आज्ञा को माने, प्रभु की कहे अनुसार चले, तो गुरु उस पर बख्शीशें करते हैं, रहमतें करते हैं और उसका पार उतारा हो जाता है, वो भवसागर से पार हो जाता है। जिस प्रकार आज हम जो साखी सुनने जा रहे हैं वो है भाई दल्ला जी की। कहते हैं भाई दल्ला जी सिद्धू घराने के थे, वे जट थे और
दमदमा साहिब में साबो की तलवंडी में उस गांव के चौधरी थे। कहते हैं कि उन्हें चौधरी होने का बहुत ही मान था, क्योंकि उनके पास बहुत सारी ज़मीन जायदाद धन दौलत थी और यहाँ तक कि सिपा सलाह बड़े बड़े महान महान योद्धा उसके मंत्री संतरी यहाँ तक कि सिपाही पूरी सेना थी उसके पास और उसे इस बात का बहुत ही मान था कि मेरे पास सब कुछ है। हर इंसान को जब उसके पास धन दौलत आ जाती है उसे बहुत मान होता है कि मेरे पास इतना सब कुछ है, धन दौलत है, शान शौकत है, मान शान है, परंतु समय आने पर ये सभी कुछ नष्ट हो जाता है। अक्सर हमने संसार में देखा है कि धनवान व्यक्ति जिसने अपने जीवन काल में बहुत धन कमाया होता है परंतु आखिरी समय आ जाता है जब उसके पास धन तो होती है परंतु साथ ही साथ बीमारियां भी लग जाती हैं, आखिर धन किसी काम नहीं आता। परंतु यदि मनुष्य ने अच्छे कर्म किए होते हैं, नाम जपा होता है, वो वाणी के साथ जुड़ा होता है, गरीबों की मदद की होती है, तो वो धन दौलत फलती फूलती है और इंसान स्वस्थ और तंदुरुस्त रहता है, प्रभु उस पर कृपा करते हैं। तो ऐसा ही कुछ हुआ था भाई दल्ले जी के साथ। भाई दल्ला जी कहते हैं उसे बहुत मान था, बहुत अहंकार था, वो अपनी शान शौकत में ही रहता था, ये मान करता था कि मेरे पास तो इतना सब कुछ है। और यहाँ तक कि कहते हैं एक बार की बात है, जब उसके नगर में, जिस नगर का वो चौधरी था, उस नगर में गुरु गोबिंद सिंह महाराज कलगिया वाले बाजा वाले नीले वाले आप पधारे। कहते हैं जब सच्चे पातशाह गुरु गोबिंद सिंह महाराज तखत पर विराजमान थे तो कहते हैं दल्ला जी वहां पर आ पहुंचे, उन्होंने जाकर गुरु साहब जी को प्रणाम किया, नमस्कार की और उनके पास जाकर बैठ गए। कहा कि हे सच्चे पातशाह, आपने मुझे याद क्यों नहीं किया? हमने सुना है आपके चारों बेटे शहीद हो गए, सारा परिवार बिखर गया, इतना सब कुछ आपके साथ हो गया। मैं था ना, मैं आपकी मदद कर देता, मेरे पास 500 सिपा सलाह हैं, बड़े बड़े महान महान योद्धा हैं और मेरे योद्धा मांस खाते हैं, वो बहुत ही बलवान हैं, बहुत ही ताकतवर हैं, उनके पास बहुत ताकत है, आपने मुझे याद क्यों नहीं किया? मैं आपकी मदद कर देता और आपको जिता देता, आपको अनंतपुर से छोड़ने का मतलब ही पैदा नहीं होता, मैं आपको बचा लेता, आपके परिवार को बचा लेता, मेरे योद्धा आपके बच्चों को शहीद होने नहीं देते। अहंकार में आकर दल्ला
इतना सब कुछ कह गया। उसने सोचा कि मुझसे बड़ा बलवान कौन हो सकता है, मेरे पास जमीन जायदाद है और इतनी बड़ी सेना है, मैं गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी की मदद भी कर सकता हूँ। वो क्या जानता कि गुरु साहब जी तो आप पिता परमेश्वर हैं, सृष्टि के कर्ता धर्ता हैं, परवरदिगार आप हैं, तीनों लोक के मालिक हैं, आप परमेश्वर का रूप हैं। उसे ज्ञात नहीं था, वो तो अपने जमीन जायदाद का ही मान कर रहा था। तो अब हुआ यूं, वहां पर लाहौर से किसी सिख ने गुरु साहब जी के लिए वो एक बंदूक लेकर आया। वो बंदूक बहुत ही बड़ी थी, जिसे अपने आप उस सिख ने अपने हाथों से बनाया था, तैयार किया था। भाई दल्ले ने कहा कि गुरु साहब जी, ये सिख आया है बंदूक लेकर, आप देखें ये बंदूक कैसी है। गुरु साहब जी ने कहा, भाई दल्लिया, अभी तुम कह रहे थे कि तुम्हारे पास बड़े बड़े महान योद्धा हैं, बलवान हैं, जो कि जंग में बहुत ही माहिर हैं। जरा अपने योद्धा से कहो, मुझे इस बंदूक को परखना है, इसकी जांच करनी है। अपने योद्धा से ये कहो कि वो मेरे सामने आकर खड़े हो जाएं। कोई एक योद्धा को ले आओ जो इस वक्त मेरे सामने आकर खड़े हो जाए, ताकि मैं इस बंदूक को परख सकूं, इसकी जांच कर सकूं कि गोली मनुक के पार किस प्रकार होती है, मैं इसकी जांच करना चाहता हूं। ये सुनकर भाई दल्ला घबरा गया। उसने सोचा कि गुरु साहब जी तो किसी जानवर या पक्षी से भी परीक्षा कर सकते हैं इस बंदूक की, तो इसके लिए कोई योद्धा क्यों चाहिए। कहते हैं अब हुआ यूं कि भाई दल्ला गया अपने योद्धाओं के पास। उसके पास 500 योद्धाओं की सेना थी। उसके अनुसार वो योद्धा बहुत ही महान थे, बलवान थे। दल्ले ने जाकर अपने योद्धाओं से कहा कि गुरु गोबिंद सिंह महाराज, उनके पास एक बंदूक आई है जिसे वे जांचना चाहते हैं, परखना चाहते हैं कि गोली सीने में कितनी अंदर जाती है। कोई है योद्धा जो गुरु गोबिंद सिंह जी के सामने आकर खड़े हो जाए, ताकि गुरु साहब जी अपनी बंदूक को परख सकें। ये सुनकर योद्धा घबरा गए, उनकी पसीने छूट गए। उन्होंने सोचा कि मौत के सामने आकर कौन खड़ा होता है, हम बेवकूफ थोड़ी ना हैं। इस प्रकार के विचार में करने लगे, गुरु साहब जी तो सभी की दिलों की जानते हैं, कट कट के अंतर की जानत, पले बुरे की भीर पछानत। गुरु साहब जी तो सब कुछ जानते थे। अब हुआ यूं कि दल्ला सर झुकाकर गुरु साहब जी के चरणों में फिर पहुंच गया। जाकर कहा कि हे सच्चे बादशाह, ऐसा कोई योद्धा नहीं मेरे पास जो तैयार हो सके गोली खाने के लिए।
और आपके सामने आकर खड़े हो सके। तो गुरु साहिब जी ने कहा, अपने सिख को हुक्म दिया कि जाओ अस्तबल में जाओ और जाकर आवाज लगाओ और गुरसिखों को मेरा हुक्म सुनाओ कि गुरु चाहते हैं एक बंदूक को परखना है। कोई गुरु का सिख, गुरु का प्रेमी, गुरु का लाल जो इस बंदूक के सामने आकर खड़े हो सके और अपनी जान कुर्बान कर सके। गुरु के सिख ने बात सुनी और कहते हैं तुरंत ही वो अस्तबल में चला गया, जाकर सिखों के आगे पुकार लगाई कि है कोई गुरु का सिख जो गुरु के हुक्म का पालन करे। गुरु चाहते हैं कि कोई गुरु का सिख गुरु के सामने आकर खड़े हो जाए ताकि गुरु जब बंदूक चलाए तो उस बंदूक की परख हो सके। कहते हैं जब उस गुरसिख ने और सिखों को जाकर ये बात बताई, पुकार लगाई, तो हुआ यूं, कहते वहां दो सिख खड़े थे जो कि बाप बेटे थे और कहते हैं वो दोनों ही उस वक्त पगड़ी पहन रहे थे और दोनों की ही पगड़ी अभी आधी ही बंधी थी। जब उनके कानों में ये बात पहुंची तो इतिहासकार कहते हैं कि वो दोनों ही सिख अपनी पगड़ी को समेट कर हाथों में लेकर पकड़कर गुरु की ओर सीधे दौड़े और गुरु के चरणों में दौड़ दौड़ कर पहुंचे, कभी बाप आगे तो कभी बेटा आगे, कभी बेटा आगे तो कभी बाप आगे, दोनों ही अपनी पगड़ी को बचाकर संभाल कर पकड़ कर गुरु के चरणों में पहुंच रहे थे, दौड़ रहे थे और रास्ते में कहते हैं झगड़ा करके आ रहे थे कि पहले गुरु का हुक्म मैंने सुना है, गुरु के सामने पहले मैं जाकर खड़ा होऊंगा। और बेटा कह रहा था नहीं भाई, पहले मैंने सुना है, गुरु का हुक्म मैंने सुना है, मेरे कानों में पहली आवाज़ गई है तो इस वजह से पहले मैं जाकर खड़ा होऊंगा। वो किसी प्रकार लड़ते झगड़ते बाप बेटे गुरु के चरणों में पहुंच गए और कहते हैं जैसे ही वे गुरु साहब जी, गुरु गोबिंद सिंह महाराज, पिता परमेश्वर के चरणों में पहुंचे तो वे दोनों लड़ रहे थे कि पहले मेरे कानों में आवाज गई है, शहीदी मैं दूंगा, कुर्बानी मैं दूंगा। बाप बेटे लड़ रहे थे, गुरु गोबिंद सिंह महाराज देख रहे थे। गुरु साहब जी ने कहा भाई क्यों लड़ रहे हो? गुरु साहब जी तो सभी कुछ जानते थे कि क्या चल रहा है, ये तो दल्ले को उपदेश देना था और यहाँ तक कि हमें भी उपदेश ये मिलता है कि हमें जीना कैसे है। तो हुआ यूं कि वो दोनों लड़ रहे थे, गुरु गोबिंद सिंह जी ने कहा कि भाई आप लड़ क्यों रहे हैं, एक काम करें आप आगे पीछे खड़े हो जाएं, मैं अपने बंदूक की परख कर लेता हूं और निशाना भी जांच लेता हूं कि बंदूक की गोली कितने लोगों को पार करके चली जाएगी। तो कहते हैं गुरु गोबिंद सिंह जी के सामने वे दोनों ही गुरसिख रंग रेटे खड़े हो गए। अब हुआ यूं कि भाई दल्ला
ये देखकर हैरान था कि आखिर चल क्या रहा है, माजरा क्या है। मेरे 500 की सेना, बड़े बड़े योद्धा, सभी ने नीवियां पाली, कोई बंदूक की आगे आकर कुर्बानी देने को तैयार नहीं है, खड़े होने को तैयार नहीं है। और गुरु के ऐसे सिख हैं जो कि मरने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसे कहते हैं वचनों को मानना। हम क्या करते हैं, गुरु घर आ जाते हैं, सेवा भी कर लेते हैं, कथा कीर्तन भी सुन लेते हैं, पर जब गुरु को मानने की बात आती है ना कि अमृत वेला संभालना है, अमृत छकना है, वाणी पढ़नी है, तो हमारी फूट निकल जाती है। हम सोच विचार में पड़ जाते हैं कि भाई हम जितना करते हैं उतना काफ़ी होता है, भाई आपके लिए काफ़ी होता है, ऐसा आप सोचते हैं। परंतु जिस मनुष्य को गुरु की खुशियाँ प्राप्त करनी होती है, वो फिर अमृत वेला भी संभालता है, पानी के साथ भी जुड़ता है, अमृत भी छकता है, गुरु का कहा हुआ मानता ही है। और हम होते हैं जो सिर्फ जीवन भर सोचते ही रह जाते हैं कि छक लेंगे अमृत, अभी कौन सी देरी हुई है। जैसे उस मनुष्य को पता होता है कि मैं 100 साल जीने वाला हूँ। समान तो इंसान 500 सालों का जमा कर लेता है दिन में, कि जैसे कि वो 500 साल जीने वाला हो, पर पल भर की भी उसे खबर नहीं होती कि कब बुलावा आ जाएगा। गुरु साहब जी तो कहते हैं, हे मनुख, तेरे सर पर तो मौत पहले से ही मंडरा रही है, और तू सोचता है कि मैं धन कमा लूं, जमीन जायदाद खरीद लूं, अपना आलीशान घर बना लूं। आखिर होता क्या है, हम बूढ़े हो जाते हैं, हमें बीमारियां लग जाती हैं, और आखिरकार वक्त आ जाता है इस संसार को छोड़ के जाने का। जीवन भर हमने सेवा कर ली, बंदगी कर ली, हम गुरु घर में आ तो गए, परंतु अमृत नहीं छका। अमृत का छकने का ये मतलब है, जैसे कि हमने गुरु के पाठशाला में एडमिशन ही ना लिया हो, स्कूल में एडमिशन ही ना हुआ हो, और हम सोचे कि हम मैट्रिक पास कर लेंगे, क्वालिफाइड हो जाएंगे। नहीं भाई, अभी तो तूने गुरु घर में एडमिशन ही नहीं लिया है, अभी तो सिर्फ तू सेवा कर रहा है। सेवा करना बहुत बड़ी बात है, बहुत ऊंची अवस्था होती है सेवा करने वालों की। मैं इसे नकारता नहीं हूँ, परंतु यदि मनुख सेवा भी करे परंतु गुरु की ही ना माने, तो सेवा फलती नहीं है। सेवा में भी दोष लग जाते हैं, सेवा में भी कमियां आ जाती हैं, क्योंकि इंसान काम क्रोध लोभ मोह अहंकार का कठपुतला है। ये कलयुग है, हमें सभी कुछ परेशान करते हैं और इंसान भटक जाता है। सेवा में भी हमसे गलतियां होती हैं, परंतु यदि मनुख अमृतधारी होगा, वाणी का प्रयास करेगा, उसे पढ़ने का प्रयास करेगा, नाम जपता होगा, तो गुरु फिर अपने आप बख्शिशें करते हैं, अपने आप रहमतें करते हैं, उस मनुख का पाँव उतारा कर देते हैं। तो अब हुआ यूं,
कि दल्ला भी हैरान था कि गुरु के ऐसे सिख हैं, और मैं तो बड़ी बड़ी बातें कर रहा था गुरु के सामने कि गुरु के चारों बेटों को मैं बचा सकता था, अगर गुरु मुझे याद करते मैं उनके परिवार को बचा लेता। मेरे तो ऐसे ऐसे योद्धा हैं जो मुझे ही बचा नहीं पाते, वक्त आने पर वो अपनी जान बचा लेते मुझे बचाने के बगैर। क्योंकि होता यूं है कि जो बड़े बड़े योद्धा होते हैं, जो अपने आप को योद्धा कहलवाते हैं, सिपा सलार कहलाते हैं, वो दरअसल माया के लिए, धन के लिए लड़ते हैं या फिर जमीन के लिए लड़ते हैं, अपनी प्राण प्रतिष्ठा के लिए लड़ते हैं। परंतु जो गुरु के सिख होते हैं ना, वो गुरु के लिए लड़ते हैं, ना कि धन दौलत के लिए, ना तो अपने लिए। वो तो अपने आप को गुरु के चरणों में कुर्बान कर देते हैं। गुरु के सिख ऐसे होते हैं, कई बार देखने में आता है कि बहुत से मनुख ऐसा कह देते हैं कि गुरु के सिखों को हमने देखा है, वो तो हमेशा लड़ने झगड़ने के लिए, मार काट करने के लिए हमेशा से ही तैयार रहते हैं। सिखों के इतिहास को अगर देखो तो गुरुओं ने भी लड़ाइयाँ की और गुरु के सिखों ने तलवारें उठाई, दुष्टों का नाश किया। ऐसा क्यों किया उन्होंने, वो लड़ते क्यों थे? कुछ लोगों का आज संसार में सवाल पैदा होता है उनके मन में। जैसा आप सभी जानते हैं हिंदुस्तान का इतिहास क्या था, जब मुगलों ने, उनकी तानाशाही चल रही थी, जबरन ही हिंदुओं को मुस्लिम बनाया जा रहा था, सारे हिंदुस्तान को मुस्लिम को बनाना चाहते थे वे, तब गुरुओं ने आकर अपना सर्वस्व वार दिया, हिंदुओं का जनेऊ बचाया, हिंदुओं की बेटियों की, बहू बेटियों की लाज बचाई, इज्जत बचाई, और हिंदुओं का धर्म बचाया था, हिंदुस्तान की लाज बचाई थी। उन्होंने तो दुष्टों का नाश किया था। और गुरु के जो सिख थे वो गुरु पर कुर्बान होने के लिए तैयार थे, क्योंकि वे जानते थे कि गुरु गोविंद सिंह महाराज कोई आम मनुख नहीं है, कोई आम राजा नहीं है, कोई महाराजा नहीं है, कोई आम व्यक्ति नहीं है, वो तो आप पिता परमेश्वर परवरदिगार खुदा आप हैं, जिन्होंने गुरु गोविंद सिंह महाराज जी को पहचान लिया, समझ लिया, उन्होंने उनकी मानी, उनका कहा माना, उनके कहे अनुसार चले, कुर्बानियां दी, शहीद हुए। और बाकी जो मुस्लिम बनने को तैयार हो गए थे और उन्होंने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया हिंदुओं ने, उस वक्त ऐसा हो गया था, कुछ तो ऐसे हिंदू राजा भी थे जो गुरुओं के खिलाफ ही हो गए, मुगलों के साथ मिलकर उन्होंने गुरुओं के साथ युद्ध लड़ा, ऐसे भी कई थे। तो अब हुआ यूं कि जैसे वो दोनों सिख गुरु की बंदूक के सामने खड़े थे, कहते गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने उस बंदूक में से गोली चला दी और गोली सीधे दोनों ही सिखों के सर के ऊपर से चली गई। इस पर गुरु के सिखों ने कहा, हे सच्चे बादशाह, निशाना चूक गया है, आप फिर से निशाना लगाएं, हमारे सीने पर गोली चलाएं। जरा सोचिए गुरु के सिख कैसे थे, गुरु के सिख कैसे होते हैं। ये सभी कुछ देखकर दल्ला हैरान था। वो समझ गया कि गुरु के सिख तो बहुत ही महान हैं, जो कुर्बानियां देने के लिए, शहीदी देने के लिए
हमेशा ही तत्पर रहते हैं, तैयार रहते हैं, गुरु की वचनों को मानते हैं और कभी पीठ नहीं दिखाते, ये सभी कुछ देखकर दल्ला का आत्मा जाग उठी। वो समझ गया कि गुरु साहिब जी ही सच्चे पिता, परमेश्वर आप हैं। अब हुआ यूँ, इतिहासकार कहते हैं शाम का वक्त हुआ, रात हुई और गुरु गोबिंद सिंह महाराज अपने आराम कक्ष में बिस्तर पर सोने चले गए। कहते हैं भाई दल्ला गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी के पलंग के सामने जाकर खड़ा हो गया। गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने पूछा, भाई दल्ला आज क्या बात है, क्या हुआ? भाई दल्ला ने कहा, सच्चे बादशाह आप आराम करें, मैं यहीं आ झुकूंगा, आपके दर्शन करता रहूंगा। कहते गुरु गोबिंद सिंह महाराज सो गए। वैसे तो पिता परमेश्वर कभी सोते नहीं हैं, ये तो गुरु का खेल होता है। हुआ यूँ, इतिहासकार कहते हैं कि भाई दल्ला सारी रात गुरु गोबिंद सिंह जी के चरणों को देखता रहा, गुरु साहिब जी के दर्शन करता रहा, गुरु साहिब जी के चरणों के पास ही खड़ा रहा। जब गुरु गोबिंद सिंह महाराज अमृत वेले उठे तो भाई दल्ला को सामने पाया। गुरु साहिब जी सब कुछ जानते हैं, ये सब कुछ गुरु का खेल होता है। तो अब हुआ यूँ, गुरु साहिब जी ने भाई दल्ला को पूछा कि भाई दल्ला क्या हुआ, आज आराम नहीं करना? भाई दल्ले ने कहा कि हे सच्चे पातशाह, आपके चरणों में मेरी बेनती है, आप मुझे भी अपना सिख बना लें। इस पर गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने कहा कि भाई दल्ला आप तर नहीं सकते, आपको पीढ़ी जितनी जगह भी दरगाह में मिल नहीं सकती। जब तक आप अमृत ना छक लें, अमृत पान ना कर लें, अमृत पान करना इतना ज़्यादा ज़रूरी है। तो अब हुआ यूँ, सुबह होते ही भाई दल्ले ने पंच प्यारों से जाकर बेनती की और जहाँ अमृत छकाया जा रहा था दमदमा साहिब में, साबो की तलवंडी में, वहाँ पर कहते हैं भाई दल्ला जी ने अमृत छका और वो दल्ला से भाई दल्ला सिंह हो गया। उन्होंने अमृत छककर गुरु को अपना बना लिया और वो गुरु का बन गया। इस साथी से हमें सीख मिलती है कि सबसे पहले तो हमें अहंकार नहीं करना, हमें झुककर रहना है, खासकर जब हम गुरु के घर पर आए, गुरु के दर पर आए, तो हमें निम्रता धारण करनी है ताकि हम गुरु के बन सकें और गुरु की आज्ञा का पालन कर सकें ताकि हमारा उद्धार हो सके। और दूसरा हमने ये सीखा कि भले ही हम कितनी भी सेवा कर लें, कुछ भी कर लें, जब तक हम अमृत नहीं छकेंगे, जब तक हम गुरु वाले नहीं बनेंगे, जब तक हम गुरु की पाठशाला में दाखिला ही नहीं लेंगे अमृत छक के, तब तक हमारा पारोतारा होना बहुत ही मुश्किल है। इस साखी से हमें सीख मिलती है कि हम अमृत छकें, गुरु वाले बने ताकि हमारा पारोतारा हो जाए। कथा करते हुए आप जी के दास से कई प्रकार की भूला हो गई हैं। सत्संग बख्शन योग हो, भूला बख्शो और सत्संग आशीष बख्शो कि दास आपकी इसी प्रकार सेवा करता रहे और भवसागर से पार लंघ जाए, मुझे कभी 84 लाख चुनिया न भोगनी पड़े, मेरा आवागमन मिट जाए, सत्संगत ऐसी आशीष बख्शना, ऐसी मेहर करना।
विच संगत हर प्रभु बसी जियो, संगत में ही प्रभु आप बसते हैं, गुरु आप अपनी कृपा बताते हैं, आप बख्शीश करते हैं, आप रहमतें करते हैं। अवर उपदेशे आप ना करे, आवत जावत जन्मे मरे। जो मैं आपको कथा सुना रहा हूँ, साखियाँ सुना रहा हूँ, उस उपदेश अनुसार मैं खुद भी चल सकूँ, ऐसी सत्संगत आशीष बख्शना, ऐसी मुझ पर रहमत करनी, ऐसी बख्शिशें करनी कि मैं भी गुरु के कहे अनुसार चल सकूँ और अपने जीवन को सफल कर सकूँ, मेरा भी पार उतारा हो जाए, मैं भी भव सागर से पार लग सकूँ, ऐसी सत्संगत आशीष बख्शना। फतेह का जवाब फतेह में दें, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।